हेलो दोस्तों, हमारे स्टेन विद अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधान परिषद, ठीक है, जो कि विधानमंडल का एक पार्ट है। अब ये विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल में तीन चीजें आता है। पहला राज्यपाल, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, दूसरा आता है विधानसभा, और तीसरा आता है विधान परिषद। तो आज इस वीडियो में जो देखने जा रहे हैं वो विधान परिषद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो विधानमंडल क्या होता है। दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद के कंबाइन नाम को ही हम विधानमंडल कहते हैं, और यहाँ पे विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में से जहां पर विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। अब यदि अनुच्छेद की बात करें तो विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद कौन से अनुच्छेद में आते हैं वो आपको हम बताते हैं। जो अनुच्छेद 168 है, तो अनुच्छेद 168 में राज्य की विधानमंडल की बात कही गई है, और अनुच्छेद 169 में राज्य के विधान परिषद का गठन एवं निर्माण की बात कही गई है, और अनुच्छेद 170 में जो है राज्य के विधानसभा की बात कही गई है। ठीक है, तो ये था विधानमंडल की बात हम कर रहे थे। आज अब जो हम देखने जा रहे हैं वो विधान परिषद की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब विधान परिषद हम स्टार्ट कर रहे हैं। विधान परिषद जैसे जानने से पहले विधानमंडल को थोड़ा जानना जरूरी था। तो विधान परिषद में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहला है विधान परिषद का गठन या समाप्ति कैसे होता है। दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे संरचना, और तीसरा देखेंगे सदस्यों का चयन। इसके बाद इसका कार्यकाल देखेंगे। इसके बाद जो है इसकी सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए वो देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे विधान परिषद का जो क्या काम होता है वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहला जो है विधान परिषद का गठन या समाप्ति कैसे होता है तो वो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, यदि हम आर्टिकल की बात करें तो 169 में विधान परिषद का गठन और उसका वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस राज्य में विधानसभा का वर्णन या गठन किया जाता है तो उस राज्य के विधानसभा के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद में भेजा जाता है, और संसद भी वहां से राष्ट्रपति, मतलब संसद के कहने का मतलब ये है कि वहां पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों का यदि परमिशन मिल जाता है तो जिस राज्य में विधानसभा अगर बनाना होता है तो वहां पे ये बना सकता है वहां की सरकार, और यदि हटाना होगा तो हटा सकती है। ठीक है, अब जो यदि हम बात करते हैं विधानसभा के संरचना के बारे में बात करते हैं, विधानसभा की संरचना की बात करते हैं, तो आर्टिकल 171 में जो है वो विधानसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है। ठीक है, बताया गया है। और विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो है विधानसभा जो होता है उसकी सीटों का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना भी सदस्य होगा, यानी 200 है चाहे 300 है, तो 300 का 1/3, यदि 200 है तो 200 का 1/3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम बात करें तो न्यूनतम जो है सो 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं विधानसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो इसमें सदस्यों का चयन मिक्स तरह से होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या मनोनय सभी प्रकार से होता है, इसलिए हम इसको मिक्स तरह से कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मिक्स तरीके से जो सदस्य का चयन होता है उसको पांच कैटेगरी में बांटा गया है। जो सबसे पहला है वो विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद जो है अन्य एक तिहाई स्थानीय निकायों के सदस्यों यानी नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यपाल के द्वारा जो है सो 1/6 सदस्य जो है जो चुना जाता है, और उसके बाद 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन पास पंजीकृत मतदाता द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है सो राज्य के शिक्षक यानी जो स्कूल में जो शिक्षक होंगे उसके द्वारा किया जाता है। अगला, यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें, विधान परिषद के कार्यकाल या इसकी अवधि की बात करें, तो दोस्तों विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि हम इसकी तुलना राज्यसभा से करते हैं, इसलिए ये सदन कभी भंग नहीं होता है। लेकिन इसमें जो सदस्य बैठते हैं उसका कार्यकाल होता है, जिसमें जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी सदस्य का कार्यकाल जो है सो 6 वर्ष का होता है। लेकिन क्या होता है, प्रति 2 वर्ष पर जो है सो 1/3 सदस्य को अवकाश ले लेता है, अर्थात इसका चुनाव दोबारा से होता है पर 2 वर्ष पे। ठीक है,
तो ये कार्यकाल हो गया। अब देखते हैं विधान परिषद में जो है सदस्य बनने के लिए योग्यता कितना होना चाहिए और क्या योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का यदि नागरिक है तो मतलब विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सीधे भारत के नागरिक की बात कहा गया है। अब ये नहीं कि वो जन्म से होगा या बाद में आकर के मतलब होगा, कहने का मतलब यह है जो वो भारत का नागरिक चाहे बाद में ले चाहे वो जन्म से हो तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है दिवालिया या पागलपन घोषित नहीं होना, पागलपन नहीं होना चाहिए। दिवालिया कहने का मतलब भगोरा नहीं होना चाहिए या पागलपन घोषित ना हो। उसके बाद वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यदि हम एज की बात करें तो यदि सेंटर में बात करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। उसी उसी तरह यदि हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में राज्यपाल की उम्र जो राज्यपाल के लिए जो है सो एज 35 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और विधानसभा के लिए जो है वो कितना होना चाहिए तो 25 वर्ष विधानसभा के लिए होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र और यहाँ पे राज्य दोनों में सेम सेम दिख रहा है। यहाँ जो जो एज राष्ट्रपति का है वही वही यहाँ पे राज्यपाल का है और राज्यसभा का यहाँ पे जितना है वही विधान परिषद का है और लोकसभा का जितना 25 वर्ष है वही विधानसभा का 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये था उसका योग्यता। अब देखते हैं इसका कार्य। ठीक है, विधान परिषद में जो मत जो भी सदस्य होंगे कार्यकाल क्या होगा विधान परिषद का, तो ये सरकार का जो है अच्छी नीति बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, और कोई साधारण बिल पेश किया जाता है तो विधान परिषद उस बिल को 3 मंथ में पास करना होता है और फिर से अगर यदि फिर से विधानसभा उसी बिल को भेजता है उसके पास तो और कहता है पास करने के लिए तो इस बिल को 1 मंथ और रखेगा, यानी कि टोटल यदि बात करें तो 4 महीने तक ही अपने पास रख सकता है। ठीक है, और इसके बाद धन विधेयक में जो विधान परिषद को मात्र 14 दिन का टाइम दिया जाता है या 14 दिन तक ये अपने पास किसी बिल को रख सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके बाद जो हम दोस्तों वीडियो जो बनाने वाले हैं वो अभी तो विधान परिषद बना है और अगला वीडियो में हम देखेंगे विधानसभा के बारे में।